सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉर्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अलाजिन एंड गोकू की फाइट कैसे चलती है एंड कैसे अलाजिन बोलता है कि तुम्हारी और मेरी ताकत भले ही सेम हो पर मेरे पास मेरा मैजिक भी है, बस हजारों सालों का कॉम्बैक स्किल भी है। अभी तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद अलाजिन अपना डार्क मैजिक का यूज़ करने लग जाता है एंड उसे काला ऑरा घेर लेता है एंड वो हंस रहा होता है एंड वो बोलता है कि ठीक है अब तुम तैयार हो जाओ। अभी तक मैं सिर्फ वेजिटा की ताकतों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से तुम अभी तक मेरे सामने टिके हुए हो, पर अब मैं अपनी ताकत एंड अपनी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं कि तुम मेरे डीमन मैजिक के सामने क्या कर पाते हो। गोकू हैरान हो रहा होता है एंड वो बोलता है कि इसका ऑरा तो बिल्कुल शैतानी है, ये पहले के मुकाबले बिल्कुल ही बदल चुका है, अब तो मैं वेजिटा को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद अलाजिन अपने डार्क मैजिक को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक एकदम से गोकू के ऊपर शूट कर देता है। गोकू इस अटैक की उम्मीद नहीं कर रहा था पर यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। यह अटैक अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो गोकू अपने आप को बचा पाता, पर यह एक मैजिकल अटैक था जिसकी वजह से गोकू को यह अटैक लग जाता है। यह अटैक गोकू को बहुत पास से लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ज़मीन पर जाकर टकराता है। अलाजिन अपना अटैक फिनिश करने के बाद हंस रहा होता है एंड वो अभी भी अपने डार्क मैजिक से घिरा हुआ होता है। गोकू एकदम से चट्टानों के बीच से अपने आप को संभाल के खड़े होने की कोशिश करता है। गोकू काफ़ी घायल लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अलाजिन गोकू के पास आ जाता है एंड बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, मुझे लगता है कि तुमने उम्मीद नहीं की होगी कि यह अटैक इतना ताकतवर होगा। मैं तुम्हें मैजिक के बारे में एक बात बताता हूँ, मैजिकल अटैक नॉर्मल अटैक से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अगर मैजिक एक सर्टन लेवल तक पहुँच जाए तो चाहे तुम जितने भी ताकतवर बन जाओ तुम उस मैजिकल अटैक से नहीं बच पाओगे, तुम चाहे जितना भी ताकतवर बन जाओ। इसका मतलब ये है भले ही हमारी ताकतें सेम लेवल पर हो पर एक बार अगर मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो तुम मेरे सामने ऐसे हो गए जैसे हाथी के सामने चींटी होती है। गोकू को इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कि देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो, और वो गुस्से में एक अटैक बनाने लग जाता है। अलाजिन बोलता है कि तुम अपना बेस्ट अटैक मुझ पर शूट करो, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और वैसे भी किसे पता तुम्हारा कौन सा अटैक तुम्हारा लास्ट अटैक हो। गोकू को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड वो एकदम से एक अटैक शूट कर देता है। अलाजिन डायरेक्टली इस अटैक को फेस कर रहा होता है एंड ये अटैक कोई आम अटैक नहीं होता, ये गोकू का सबसे पावरफुल अटैक होता है वो भी असेंडेड सुपर सैयन 4 में। पर इसके बावजूद अलाजिन हंस रहा होता है एंड खुद को डार्क ऑरा से घेर लेता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये अटैक अलाजिन को लग जाता है एंड जैसे ही ये अटैक खत्म होता है हम देखते हैं कि उस जगह पे सिर्फ धूल ही धूल रह जाती है। गोकू थका हुआ होता है, उसने अपने इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी होती है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि धूल छटने लग जाती है एंड हम देखते हैं कि गोकू बोलता है कि क्या हुआ, क्या मैंने उसे ख़त्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अलाजिन जिंदा होता है, कि अलाजिन का आधे से ज़्यादा बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, उसका सिर्फ आधा सिर एंड आधा हाथ बचता है एंड इसके बाद वो गोकू से बोलता है कि लगता है तुम खुश होगे, मेरे पास अभी सिर्फ आधा सर बचा है। गोकू काफ़ी हैरान देख रहा होता है उसे एंड अलाजिन बोलता है लगता है मेरा काम तमाम हो चुका है, तुम अब जीत चुके हो एंड अब तुम अब जीतने के खुशी में नाच भी सकते हो, मैं तो बस अभी मरने ही वाला हूँ। अभी अलाजिन हंसने लग जाता है एंड बोलता है कि अरे रुको, एनर्जी के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपने डायंकाई एनर्जी को फोकस करूँ तो मैं अपने पूरे के पूरे बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता तो ये शरीर मेरे किस काम का होता। ये बोलते बोलते हम देखते हैं कि अलाजिन अपना पूरा का पूरा शरीर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके वापस पा लेता है। अलाजिन हंसता है एंड बोलता है कि क्या हम अपनी फाइट फिर से शुरू करें। गोकू काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है एंड वो हाँफ रहा होता है। अलाजिन बोलता है कि भली हमारी ताकतें बराबरी की ना हो पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी सांस अभी से फूलने लग गई है। अलाजिन एकदम से गोकू के सामने से गायब हो जाता है और एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है, वो अपनी दो उंगली का इस्तेमाल करता है, एकदम से गोकू के वाइटल पॉइंट्स पे अटैक कर देता है। उसके बाद गोकू बोलता है कि ये क्या है, तुमने मेरे हाथ के साथ आखिर क्या किया, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ जल रहा है। गोकू बोलता है कि मेरा हाथ आखिर हिल क्यों नहीं रहा है। अलाजिन बोलता है कि मैंने अपने डीमन एनर्जी को अपने उंगली पे फोकस किया था तो उस एनर्जी को मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट पे हिट करके लॉक कर दिया है और उसे रोकने की वजह से तुम्हारे हाथों में की का फ्लो रुक चुका है। एक बार ये बात बंद हो जाए तो जिस इंसान के ऊपर मैं ये करता हूँ उसे बहुत ही पेनफुल पैरालिसिस हो जाती है। गोकू समझ जाता है कि उसके लिए फाइट जितना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अलाजिन बोलता है कि चिंता मत करो, तुमने अपने की को नहीं खोया है, तुम अपनी की का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हो, तुम अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम चाहो तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, मेरा मतलब अगर तुम डरे ना हो तो। इसके बाद गोकू अलाजिन को किक मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि चुप रहो, पर अलाजिन गोकू के पैर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अलाजिन गोकू के पेट पे डीमन एनर्जी से अटैक करता है, गोकू दर्द के मारे ज़मीन पे बैठ जाता है। अलाजिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे काफ़ी दर्द हुआ होगा,
मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर फ्लो होने वाली सारी रेन का एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। अब तुम्हारे पास 10 सेकंड से भी कम है, इसके बाद तुम्हारी सारी की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। गोगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अलादीन इसके बाद बोलता है, अगर मैंने एक बार ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे पास भले कितनी ताकत हो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद गोकू फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता है, बट उसकी पूरी की पूरी ताकत खत्म हो चुकी रहती है। हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। अलादीन बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था, तुम्हारी ताकत अभी से खत्म होने लग गई है, तुम अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी मेंटेन नहीं रख सकते हो। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम खड़े हो उसमें भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ताकत खर्च हो रही होगी। अलादीन भी इसके बाद अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू खुद से बोलता है कि ये सही बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी की सारी ताकत खत्म हो चुकी है और इसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं खर्च हुई है। लगता है उस लास्ट अटैक ने मेरे चीख को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस तरीके से तो मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे सोचना होगा कि मैं आखिर अभी क्या कर सकता हूँ। अलादीन बोलता है कि तुम समझ गए होगे, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था। अगर मैं शुरू से ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करता तो हमारी फाइट जितनी देर चली उतनी देर भी नहीं चलती। पर वेजिटा के बाद तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स हो और मैं देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकते हो। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी ताकत से ज़रा सा भी इम्प्रेस नहीं हूँ। गोकू अलादीन से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम एक डीमन हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मुझे तुम ये बताओ, तुम इन लोगों पर अटैक क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? अलादीन बोलता है कि ये लोग मेरे लिए बस एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि ये लोग अपने एनर्जी के लिए जानवरों को खाते हैं, वैसे ही मैं इनकी एनर्जी लेके अपनी भूख मिटाता हूँ। ये तो बस दुनिया का रूल है, ताकतवर जिंदा रहता है तो कमज़ोर मारा जाता है, और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। रही बात इसकी कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं बस अपनी बॉडी को वापस चाहता हूँ, तो उसे पाने के लिए मुझे काफ़ी सारे रेनकाई एनर्जी की ज़रूरत है। तुम्हारी बॉडी और वेजिटा की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेनकाई एनर्जी है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकता। एक बार मेरी बॉडी वापस आ गई तो मेरे पास उसके आगे का कोई प्लान नहीं है। हो सकता है मैं वापस से डीमन रॉयल में वापस चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर रूल करने लगूँ, पर मेरे ख्याल से अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गोकू बोलता है तो तुम क्या करोगे अभी? अलादीन बोलता है कि क्या बता, पहले मेरे को लगा था कि मैं डाबोरा को मारूंगा, पर डाबोरा पहले ही मारा जा चुका है। हो सकता है कि मैं बस घूमता रहूँ और अलग अलग दुनिया में जाकर लोगों को मारकर उनके तड़पने का मजा लूँ। गोकू बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कभी ना कभी तुम्हें तो कोई रोक ही लेगा। अलादीन बोलता है ये बात तो मैं जानता हूँ, हो सकता है इस दुनिया में कोई हो जो मुझे रोक सकता हो। इसके बाद अलादीन गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर लगातार अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। गोकू के बेहोश होने के बाद अलादीन बोलता है कि इतना तो पक्का है कि मुझे रोकने वाले तुम नहीं होगे। कैप्सूल कॉर्क में गोहान को महसूस हो जाता है कि उसके डैड के साथ कुछ गड़बड़ है। एन पूछती है कि डैड क्या हुआ, क्या ग्रैंडपा गोकू ठीक है? पान बोलता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कुछ देर पहले डैड और उस दूसरे शख्स की ताकत बिल्कुल बराबर थी, पर अब डैड की ताकत बिल्कुल गिर चुकी है एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एन इसके बाद बोलती है कि डैड इसका मतलब ये है कि ग्रैंडपा गोकू हार रहे हैं। गोहान समझ जाता है कि उसके डैड के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। अलादीन गोकू से बोलता है कि मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, पर तुम्हारी रेनकाई एनर्जी मेरे बहुत काम आ सकती है। तुम्हारी रेनकाई एनर्जी लेने के बाद मुझे जितनी रेनकाई एनर्जी चाहिए उतनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। गोकू बोलता है कि भली मैं वो शख्स हूँ जो तुम्हें ना रोक पाया हो, पर तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रोक लेगा एंड तुम जीत नहीं पाओगे। अलादीन गोकू के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है एंड बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं ज़रूर जीतूंगा। तो दोस्तों अलादीन गोकू के साथ क्या करने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।